तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि फ्रेशर लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आता है ज़्यादातर फ्रेशर लोगों के लिए ही आता है, जो कि उसमें सबसे पहले वो काम समझ सके। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज का मेरा टॉपिक होगा टाइम कीपर जॉब का। जो टाइम कीपर जॉब होगा वो हमारे फ्रेशर भाई लोगों के लिए, टाइम कीपर जॉब का क्या ड्यूटी आवर होगा, क्या प्रोसेस है, मैं अभी फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। जो भी भाई हमारे टाइम कीपर में आना चाहते हैं तो इस पॉइंट को नोट कर ले और ध्यान से समझ ले इस वीडियो में, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी, इजी होगी हमारे फ्रेशर भाई लोगों के लिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। टुडे टॉपिक है टाइम कीपर जॉब रिलेटेड वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जानकारी देता हूँ टाइम कीपर में क्या क्या प्रोसेस है, क्या जानकारी है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे भाई लोगों को जानकारी देने के लिए टाइम कीपर जॉब का। सबसे पहले आप यूएई का मैं कुछ एक्सपीरियंस दूंगा आपको, जो टाइम कीपर का जॉब क्या होता है, और सैलरी के भी बारे में बता दूंगा इसमें। तो सबसे पहले आप टाइम कीपर जॉब में फ्रेश हैं, फ्रेशर हैं, तो आप आएंगे यूएई में, आपको सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाएगा। सबसे पहले उसमें क्या मालूम होना चाहिए आपको, मस्ट बी इम्पोर्टेंट टाइम कीपर जॉब। तो सबसे पहले आपको टाइम कीपर जॉब में चाहिए आपको इंग्लिश फ्रेंकली होना चाहिए, इंग्लिश मालूम होना चाहिए, और कंप्यूटर मस्ट बी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैनुअली काम भी नॉर्मल एज ए मैनुअली काम तो ख़त्म हो चुका है, आप भी जानते होंगे। तो मैनुअली काम नहीं होगा यहाँ पे, कंप्यूटर से ही होगा। मैनुअली काम कब होता है, जब छोटी मोटी कंपनी है तो थोड़ा बहुत 50 आदमी है तो उसमें, 30 आदमी है तो उसमें मैनुअली काम आपने कर लिया, लेकिन कंपनी में आप है तो उसमें आप मान लीजिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर मस्ट बी इम्पोर्टेंट हियर इन टाइम कीपर जॉब, कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे पहले वर्ड भी होना चाहिए, मस्ट बी इम्पोर्टेंट एक्सेल। एक्सेल किस लिए होता है, मैं उस पर स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ आपको शीट दिखाऊंगा। शीट ये ऐसा होगा जो आपको सीट मिलेगा यहाँ एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में मिलेगा, कुछ अलग सॉफ्टवेयर भी होता है, एक्सेस में भी बनता है, नो प्रॉब्लम, एक्सेस भी आना चाहिए, लेकिन नॉर्मली है आपका, नॉर्मली है वो एक्सेल, और एक्सेल इम्पोर्टेंट है अवार्ड वगैरह। तो जो टाइम कीपर का जॉब है, यहाँ पे आपको क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले इसको जिम्मेवारी होती है, जो काम इम्पोर्टेंट है मस्ट बी आपको केयरफुली काम करना होता है। अब जितने भी लोग आए, आपका ड्यूटी मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा, सबका अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइमिंग टेबल है, जहाँ ड्यूटी स्टार्ट होता है मॉर्निंग में 5 बजे से भी, और यहाँ मेरे कंपनी में तो 8 बजे से स्टार्ट होता है, और भी अनदर कंपनी होगी इसमें बिल्डिंग लाइन भी होगी तो उसमें 5 बजे से काम ड्यूटी स्टार्ट हो जाता होगा, 5 से 6 के बीच में। तो वहाँ पे आपको आपका जो टेबल होगा, आपका जो एक रूम होगा, उससे वहाँ से आदमी होके जाएंगे जो आपके टेबल पे आएंगे, उसमें आपको जो मैं बताया सीट होगा वो अपना आईडी दिखाएंगे, आईडी देख के आपको उसमें उसका टाइमिंग से भरना होगा। तो इसमें ये होता है कि इसमें केयरफुली काम ये होगा कि आपको बहुत ही केयरफुली काम करना होगा टाइम कीपर में, ताकि आप कोई गड़बड़ ना हो। नहीं तो ये गड़बड़ कब पकड़ में आती है, मान लीजिए कोई जॉब, कोई ड्यूटी नहीं आया, कोई ड्यूटी आया, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे लास्ट में जब ये एचआर के पास या लास्ट में रिपोर्ट मेन बनता है सैलरी उठाने के लिए, सैलरी सैलरी के लिए, उस टाइम पकड़ में आता है कि टाइम कीपर का वर्क सही चल रहा है या कोई गलती हुआ है उसमें। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि टाइम कीपर का जो जॉब है उसमें केयरफुली काम करना होता है। सपोज दैट आपको जैसे ओवर टाइम कौन कितना करेगा, कितना किया, वो सब ऐड करना होता है, क्योंकि वो अगला आदमी अपने आप भूल गए, अगला आदमी को मालूम है कि मैं इतना किया हूँ, वो नोट किया होगा, तो उसमें बाद में आपसे भी लफड़ा हो सकता है कि ये मेरा ऐड नहीं किया, तो ये लास्ट में यानी तू तू में हो सकता है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि जो भी काम हो, ये टाइम कीपर का टाइमिंग भरना होता है, मेन वही होता है, कौन अब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना होता है इसमें। बी केयरफुली वर्क है टाइम कीपर जॉब।
गाइस, मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि टाइम कीपर का कैसे क्या होगा। एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि एक नॉर्मल एज समझने के लिए आपको एक मैं सीट दिखा देता हूँ जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा आपका पेपर। इसी हिसाब से टाइम सीट का ये पेपर है, तो टाइम भरना है, आईडी भरना है, नेम भरना है, ड्यूटी कब से स्टार्ट किया है, ओवर टाइम का अलग होता है, इस चीज़ में आपको समझ में आता होगा। तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ हमेशा, जो भी बताता हूँ जेन्युइन बताता हूँ, नहीं कोई फेक होता है, नहीं कोई, आज आप सर्च करके भी चेक कर लें। तो जो काम हम लोग के यहाँ होता है मैं सिर्फ वो दिखाता हूँ कि हमारे फ्रेशर भाई लोगों के लिए काम सीखने के लिए बहुत ही आसान होगी, ईजी होगी। तो अगर ये टाइम कीपर का ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर वीडियो हेल्पफुल हो, लाइक कमेंट एंड शेयर, सपोर्ट भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल। जो भी और वीडियो चाहिए आपको, तो इससे आपको सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन बेल है वो ऑन कर ले, ताकि आपको जो भी मेरा नया वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें। दुबई में टाइम कीपर का जॉब कैसे होता है, होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।